नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज हरियाणा का बजट पेश किया गया। बजट में हर वर्ग का ख्याल भी रखा गया। लोगों ने भी इसे सराहा है तथा कहा है कि ये बजट काफ़ी अच्छा है। कुछ ने कहा कि इस बजट में आम जनता का कोई फायदा नहीं होगा। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भिवानी के दुकानदार हो या फिर बजट के जानकार हो, हर कोई इसे अच्छा बता रहा है। प्रदेश में आगे बढ़ाने वाला बजट है। बजट सही है तथा आम जनता को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया। इसके लिए काफ़ी फायदे भी हैं। उन्होंने बताया कि बजट उनकी आशा के अनुरूप है। वहीं भिवानी वासियों ने बताया कि यह बजट जो आज पेश किया गया है, इससे आम जनता के लिए कुछ नहीं है, परंतु देश की अर्थव्यवस्था को एक लकीर में लाया जा सकता है। पल पल भिवानी से विशेष रिपोर्ट। कल्याणकारी, देश को आगे बढ़ाने वाला है। मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बढ़िया बजट आया है। दूसरा जो ट्रिपल पी मॉडल आया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अपने हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो कन्वर्ट करना है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। तीसरा मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि उड़ान के तहत 2024 तक जो 100 एयरपोर्ट्स बनाने का प्लान है सरकार का, वो एक बेहतरीन प्लान है। रेलवे स्टेशन की भी कहीं वाईफाई से जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, वो भी जो कॉरपोरेट ट्रेन से तेजस वगैरह उसको जो टूरिस्ट पैलेस से जोड़ने का है, वो भी एक अच्छा प्लान है सरकार का। संतोष, आप किस तरह बजट है? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। जो इन आय दुगनी करने की जो बात बजट में कही गई, अगर सही मायने में ये इम्प्लीमेंट हुआ तो भारत के लिए वाकई एक बहुत बढ़िया कदम होगा और हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि फार्मर बेस्ड है। 70% जो हमारी आबादी है वो आज भी कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। टैक्स की कहीं ना कहीं बात देखिए, टैक्स स्लैब में जो बजट में जो टैक्स स्लैब कम किया गया है, वो वाकई कृषि के साथ साथ एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी विकास का कारण हुआ, क्योंकि आज हमारा जो देश है पिछले 5 साल से औद्योगिक भी अग्रसरता की तरफ जा रहा है, और इससे जो 5% से 10% के स्लैब का जो छूट खासतौर पर जो नई प्रोडक्शन यूनिट के लिए दिया गया है ना, उससे बहुत ज़्यादा बेरोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे और FDI भी इससे भारत देश में आएगी। बजट है केवल लुभावना बजट है। इस बजट के अंदर गरीब समाज के लोगों के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो उन पर लागू हो। आप देखना, अभी पिछले दिनों BSNL को बंद कर दिया और अन्य सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर पर बिठाएंगे। सरकार का मुख्य कारण है बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना, बाकी जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं उनको घर पर बिठाना। क्या कहेंगे जो बजट आया जो आज का 1 फरवरी 2020 को जो बजट पास हुआ है ना, मोदी जी ने बजट पास किया, बहुत ही अच्छा किया है, जिससे कि गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम होगा, जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, 550 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई का कनेक्शन दिया जाएगा और PPP मॉडल पे भी बहुत ही ध्यान दिया गया है, और जिससे कि जो मार्केट में उद्योग व्यापार कम हुआ है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे कि गवर्नमेंट ने स्लैब रेट कम कर दी गई है, जिससे कि टैक्स कम देना पड़ेगा और धोखाधड़ी कम होगी।